नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की आवाज बनकर आंदोलन के साथ खड़े राकेश टिकैत ने एक बार फिर हवा का रुख बदल दिया है। जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर, इन दोनों ही बॉर्डरों पर रात हुई हलचल ने प्रशासन और सरकार की सोच के विपरीत अपना असर दिखाया है। 26 जनवरी को हुई लाल किले की घटना के बाद बैकफुट पर आए किसान आंदोलन को रात गाजीपुर की हलचल और राकेश टिकैत के आंसू ने फिर तेज कर दिया है, जिसका असर अब हरियाणा और पंजाब में भी होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में हुई हलचल का असर अब हरियाणा और पंजाब में ऐसा हुआ है कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर की सीमाओं पर बीते कई महीनों से चल रहे आंदोलन को अब अंबाला के किसानों ने बड़ा रूप देने की तैयारी कर ली है। शंभू बॉर्डर को अब किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को पहुँचने की अपील की जा रही है। तो ये सिंघू बॉर्डर है ना, इस किसान आंदोलन का एक ऐतिहासिक स्थली बन चुका है। जैसे 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी, ये किसान आंदोलन की क्रांति भी अम्बाला, ये सिंघू बॉर्डर है, जो ये टोल प्लाजा है, ये अम्बाला की धरती पे है। इस आंदोलन की चिंगारी भी अम्बाला से ही शुरू, इसी अम्बाला से शुरू हुई थी। और ये आंदोलन अब किसान आंदोलन ना रहकर जन क्रांतिकारी आंदोलन बन चुका है। इसका यही आंदोलन सारे देश में इतना प्रसिद्ध हो गया कि बीजेपी को इससे डर लगने लगा। बीजेपी सरकार इन काले कानूनों से नहीं डर रही, बीजेपी सरकार को डर है इस किसान आंदोलन की वजह से। हर देश का हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए, इसलिए सरकार नए नए गलत हथकंडे अपनाकर इस आंदोलन को खत्म करना चाहती थी। अपने जो सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, गाजियाबाद बॉर्डर है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग दोबारा पहुंचना शुरू हो गए हैं। अपनी जान की बाजी लगाती थी, अब हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम टिकायत का बहुत धन्यवाद करते हैं, इस आंदोलन को बचाने के लिए टिकायत का बहुत बड़ा योगदान है। हम टिकायत के हमेशा ऋणी रहेंगे। तो चाहे देश का कोई भी किसान है, जो टिकायत ने जो कल खेला वो बहुत सराहनीय है। इस आंदोलन को कामयाब दोबारा काम कराने में टिकायत जी का बहुत बड़ा रोल है। हम सभी किसान जथेबंदियों का, गुरनाम सिंह का, अपनी सभी का धन्यवाद करते हैं। वहीं देर रात जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आई, उन्हें देखकर स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ना भी लाजमी है, क्योंकि देर रात किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पर गाड़ियों का बड़ा जमावड़ा नजर आया। किसान नेताओं की माने तो सिंघू के लिए आंदोलन की चिंगारी शंभू से उठी थी और अब शंभू बॉर्डर भी ऐतिहासिक स्थली बन गया है। वहीं किसान नेताओं ने बताया कि उनके संदेश के बाद अब यहां लोग जुटना भी शुरू हो गए हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब शंभू बॉर्डर सिंघू बॉर्डर बन जाएगा। देखो, हम मैसेज भेज रहे हैं हर काल से, जैसे हमने मैसेज दिया ये सिंघू नहीं, इसको सिंघू बॉर्डर बना देना। वहीं अब एक बार फिर पंजाब से किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है। जो आंदोलन कमजोर होता नजर आ रहा था उसे बल देने के लिए अब पंजाब से एक बार फिर किसान बसों और निजी गाड़ियों में भरकर दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। किसानों का मानना है कि वो कृषि कानून वापस करवा कर ही लौटेंगे। पेंडर रायपुर तो आए हैं, जिला फतेहगढ़ साहब है, ते असी सिंघू बॉर्डर ते जा रहे हैं। जे कानून असी वापस करे बगैर नहीं हटते, चाहे मोदी आ चाहे जेड़ा मर्जी आ, जोर ला लैन जिन्ना मर्जी, जो उन्होंने कहना कह लैन, असी ना डरना ना पिछे हटना है। असी चले जी सिंघू बॉर्डर ते, पिंड साडा घणीवाल, तहसील नाभा, जिला पटियाला जी। तो उत्थे हुण असी जी रूटीन दे विच जा रहे हैं, जिवें साडे पिंड रोटेशन बनी आ, जिवें पहला 26 नूं आ गए कुछ असी ते हैगे ने, उह लै आउणे ने आ गड्डी दे विच, असी उत्थे चले जाणा ते एक हफ्ता उत्थे रहना, फिर साढ़े अगले वर्कर चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। रिपोर्टें सामने आ रही हैं उत्थे धरने तो लोग वापस आ रहे हैं, की ओ नहीं जी नहीं, वो तो उस टाइम मेले वांगू माहौल सी, परेड ते गए सी लखां ही लोग, उन्हां चों कुछ वापस आने ने, असी चल जा रहे हैं, असी जा रहे हैं उत्थे जिवें दा माहौल आ होर जावांगे जी। अब दिल्ली चले हैं जी। क्या वजह है आप दिल्ली जा रहे हैं जी? जो सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया गया भी किसान चले गए जी, किसान गलत फुहां उड़ा दी जी, किसान घर को चले गए जी, बैरियर एक खाली करो जी, कोई खाली नहीं है जी, कोई सब कुछ वहाँ ठीक है जी। हम जे आगे एक बंदा जाता था जी, अब सारे को मीटिंग करके कह दिया भी पांच पांच बंदे 10 बजे जाएं तो आप दिल्ली चलो जी सारे। जहां एक और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर होता नजर आ रहा था, वहीं एक बार फिर किसानों ने अपनी कमर कस ली है और इस बार किसानों का साफ तौर पर ये कहना था कि अब वे इस जंग को जीत कर ही वापस लौटेंगे। पंजाब के एसयूटीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बारी की रिपोर्ट।